with the cell chapter? This we have till now we have covered the structure and functions along with the location of the cell membrane, cell wall, and the cytoplasm we have discussed, right? So now coming to the cell organelles. The cell organelles, what are the cell organelles first of all? Cell organelles are the smaller parts or the units or the subunits, you can say, that of the cell. सेल के भी अंदर छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, जो यूनिट्स हैं उसके छोटे छोटे से, जिनका हर एक का रोल, यूनिट क्या होता है, यूनिट एक ऐसी चीज होती है, जैसे हम कहते हैं कि किडनी इज अ यूनिट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना, हम ये कहते हैं ना. सो एक्सक्रीटरी सिस्टम फुली एंड फुली इट इज डिपेंडेंट अपॉन दैट पर्टिकुलर यूनिट, दैट इज किडनी, है ना. किडनी काम करेगा तो यूरेट्रा, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर का और कोई काम नहीं है, उन्होंने अपना काम करते रहना, ठीक है. मेन वर्क किसका है, किडनी का, तो दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिट. तो किसी भी चीज को हम यूनिट कब बोलते हैं, जब उसका मेन रोल होता है और उसका रोल कोई और ऑर्गन कंपनसेट नहीं कर सकता. तो ऐसे में ही हमारे पास ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो यूनिट्स कहलाई जाती हैं सेल की. हर सेल ऑर्गेनेल एक यूनिट है, हर एक का अपना अपना रोल है. कोई भी एक सेल ऑर्गेनेल दूसरे से कंपनसेटरी काम नहीं करवा सकता. अगर एक काम ईआर का है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, तो वो काम सिर्फ उसी नहीं करना है, उसका काम कोई गॉल्जी या कोई और राइबोसोम वगैरह ये नहीं करेंगे, ठीक है. सो दैट इज, दीज आर द यूनिट्स ऑफ द सेल, दीज आर द स्मॉलर सब यूनिट्स ऑफ द सेल, द पार्ट्स ऑफ द सेल और द स्मॉलर सब यूनिट्स ऑफ द सेल कॉल्ड एज अ सेल ऑर्गेनेल्स. देन सेल ऑर्गेनेल्स में हमारे पास एक तरह से कुछ एक जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिन्हें इकट्ठा फंक्शन प्ले करना होता है, ठीक है, समझ गए, मतलब कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन प्ले करना है. जैसे आपका एक सिस्टम है, सिस्टम होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, लेट्स से डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है, देयर इज अ माउथ, कोऑर्डिनेटेड मैनर में इसोफेगस का फंक्शन, फिर स्टमक का फंक्शन, फूड इज गोइंग स्टेप वाइज टू स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फाइनली रेक्टम एंड एनस, है ना. तो वो क्या है, वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, तब हम उसको एक सिस्टम बोलते हैं. ऐसे ही हमारे पास कुछ सेल ऑर्गेनेल्स, नॉट ऑल, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसी हैं जो कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बनाती हैं. मतलब कहने का क्या है कि जैसे हमारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, वैसे ही ऑर्गेनेल्स का भी एक सिस्टम है. क्या हमने कभी सोचा था कि इनका भी एक सिस्टम होगा? आज तक हमने आपके बॉडी पे सिस्टम पूछे तो आप लोगों ने हमेशा बताया डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम. यू हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम. व्हाट इज दिस एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम? नाउ एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल दो सेल ऑर्गेनेल्स विच फंक्शंस इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, मतलब कनेक्टेड मैनर, कनेक्टेड. जैसे मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का एक एग्जाम्पल लिया, वो भी सिस्टम है, ये भी सिस्टम है, ठीक है, समझ गए, ठीक है. सो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में हमारे पास आती हैं सेल ऑर्गेनेल्स लाइक नंबर वन इज ईआर, नंबर टू इज गॉल्जी, गॉल्जी एपरेटस और द गॉल्जी बॉडीज और गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है. देन थर्डली लाइसोसोम्स एंड फोर्थली देयर आर वैक्यूल्स. चार एंडोमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं जो सिस्टम बनाती हैं, कोऑर्डिनेटर मैनर से काम करती हैं. अब ये कैसे काम करती हैं, ये इनके स्ट्रक्चर प्लस फंक्शंस में हमें क्लियर होता जाएगा. सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज द ईआर. वी आर डिस्क्राइबिंग द एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम नाउ, ओके. सो द फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ दिस सिस्टम इज द ईआर, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो कमिंग टू द फर्स्ट, दैट इज द ईआर, नंबर वन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दिस बेसिकली देयर इज टू टाइप्स ऑफ द ईआर इन द सेल. ईआर इज एक्चुअली हैविंग अ स्ट्रक्चर ऑफ हैविंग द सिस्टर्नरी ट्यूब्यूल्स एज वेल एज द वेसिकल्स, ठीक है. ईआर का अपना स्ट्रक्चर जो है उसमें सिस्टर्नरी ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स प्रेजेंट है, क्या है वो मैं बताती हूँ. लेकिन इसका जो सिस्टर्नल मास है, यानी जो सिस्टर्नास की एक्सटेंशन है, वो सेल में इतनी ज्यादा है दैट इट इज कॉल्ड एज द अदर नेम फॉर द ईआर हैज बीन प्रोवाइडेड एज अ स्केलेटन ऑफ द सेल. जैसे हमारी बॉडी में कौन सा सिस्टम सबसे ज्यादा है, स्केलेटल सिस्टम ना, ऐसे ये ईआर पूरे सेल के अंदर बहुत ज्यादा स्प्रेड है, तो इसलिए इसको अदर नेम दिया जाता है एज अ स्केलेटन ऑफ द सेल, ठीक है. फर्दर द स्केलेटन जो हमें सेल में नजर आएगा, दैट आर दीज इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स That are of the cisterna. ये इस तरह से elongated tubular structures cisterna के बहुत ज्यादा हमें मिलते हैं सेल के अंदर. अब आपको ये थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा
सेल इज अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, पूरा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। आप जब कट सेक्शन में देखोगे तो आप ऊपर से व्यू करोगे तो आपको सिर्फ एक फ्लैट इस तरह से नजर आएगा स्ट्रक्चर, पर इसके अंदर नीचे पूरी टिब्यूल्स ऐसे ही प्रेजेंट होंगी ना। ये एक ऐसा फोल्ड है, पूरा ऐसा बड़ा फोल्ड हो, यू इमेजिन दिस टू फिंगर्स का फोल्ड, इतना साइज है पूरे सेल का, ठीक है, इतना ही ये इन डेप्थ में ऐसे पड़ा हो, समझ गए, ठीक है। एंड व्हाट यू कैन व्यू इट फ्रॉम अबव सरफेस, दैट इज ओनली दिस मच, ठीक है। सो हम बना नहीं पाते हैं उसको थ्री डायमेंशन में, लेकिन आपको समझना ये पड़ेगा क्यों इसको स्केलेटन कह रहे हैं, बिकॉज इट इज वेरी इन डेप्थ तक ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है, स्प्रेड है, और प्लस सिस्टर्नास लॉन्ग बहुत है, बहुत ज्यादा सर्फेस एरिया, इनसाइड सर्फेस एरिया ऑफ द सेल जो है कवर करती है, ठीक है। सो दीज आर द लॉन्ग ट्यूबुलर इंटरकनेक्टेड मास ऑफ द ट्यूब्यूल्स, दीज फ्लैटेंड ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज सिस्टर्ने और अ सिंगल इज सिस्टर्ना, लाइक दिस। यू कैन मेक एज मेनी यूनिट्स, जितनी मर्जी जोड़ दो। Now from the terminal ends, ये इतना ज्यादा फैला हुआ है कि इसके बाकी के पार्ट्स हमें नजर भी नहीं आते क्योंकि वो इतना ज्यादा फैला हुआ है, बीच बीच में ही है वो सारे, उसकी थ्री डायमेंशन में, मतलब उसके डेप्थ में ही पड़े हुए, ठीक है, तो वो नजर नहीं आते। बट एक्चुअली दिस सिस्टर्ना फ्रॉम द टर्मिनल एंड्स, दे डू हैव द ब्रांचेस, ब्रांचेस आर नॉट दैट प्रोफ्यूजली ब्रांच टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर नहीं है, बट द ब्रांचेस आर प्रेजेंट लाइक दिस, ठीक है, along with the vesicles also, they do have the vesicles as well, ठीक है, vesicles are the terminal ends of the tubules, ये parts हैं इसमें लेकिन नजर नहीं आते। जब भी आप draw करेंगे cell में आप सिर्फ cisternae draw करते हैं, tubules और vesicles नहीं, ये क्योंकि उसकी in-depth structure की वजह से बीच में ही छुप जाते हैं, थोड़े होते हैं, बहुत ज्यादा profusely branch नहीं है, इसलिए ज्यादा नजर नहीं आते। So what are these flattened disc-like structures? These are called as cisterna और द सिस्टर्ने। ई डाल दिया तो प्लूरल, नहीं डाला तो सिंगुलर, ठीक है। सो दिस इज सिस्टर्ना, डन। देन आर द ट्यूब्यूल्स, दीज आर द ट्यूब्यूलर पार्ट्स, द ट्यूब्यूल्स, ईच ट्यूब्यूल एंडिंग अप इनटू द वेसिकल्स, बट द वेसिकल्स विच आर क्रिएटेड बाय द ई आर, दे आर द टेम्परेरी वेसिकल्स, दे आर नॉट द परमानेंट वन, ठीक है, टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए बनती हैं और वे खत्म हो जाती हैं बाद में। इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन वेसिकल्स भी, टेम्परेरी भी हैं, ट्रांजिशन भी हैं, ट्रांजिशन वेसिकल्स। सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, सिस्टर्ना वेसिकल एंड द ट्यूब्यूल्स। इफ ऑन द सर्फेस ऑफ दीज ईआर देर आर नो राइबोसोम्स, देन इट इज कॉल्ड एज स्मूथ सर्फेस, हैविंग द स्मूथ सर्फेस it is called as SER. SER क्या है? That is a smooth ER. It is smooth ER. और अगर इसके सर्फेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हों, वो पड़े हैं इसके सर्फेस के साथ अटैच्ड हैं इस तरह से, साइटोप्लाज्म में होते हैं ना राइबोसोम्स, few of them have been engaged in the translation process, that is mRNA chain के साथ होंगे जो प्रोटीन सिंथेसाइज करवा रहे हैं, और जो नहीं है, जो फ्रीली अवेलेबल है साइटोप्लाज्म में कुछ, वो यहाँ पे राइबोसोम्स आके एसोसिएट भी हो सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द ईआर। एंड इफ दे आर प्रेजेंट, इफ दीज ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, देन वी कॉल इट एज द आरईआर, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज कॉल्ड एज रफ endoplasmic reticulum. Along with it, because this shows you a granular appearance, है ना, ऐसा खुरदरा सा appearance दे रहा है ना, granular, ठीक है, so these are also called as granular ER. We also call it as granular ER, or this is also called as agranular ER. A क्यों? A stands for without. In bio, most of the terms having A means without. Smooth is without the granules. है ना? Got it? हाँ जी, clear हो गया ये, ठीक है। So this is what, this is the structure first of all, and the two types, that is the SER and RER. RER's main role is in the protein synthesis, obviously, क्योंकि ये ribosomes है साथ में, तो राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज करवाते हैं, लेकिन पैकिंग जो है
प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स की हेल्प जो करता है उसको और फर्दर पैक करवाने में, दैट इज अ हेल्पिंग हैंड इज द आरईआर. ठीक है, सो आरईआर इज एक्चुअली कंसर्न विद द सिंथेसिस एज वेल एज द टेम्परेरी पैकिंग ऑफ द दिस प्रोटीन्स. बट इफ द राइबोसोम्स आर एब्सेंट, स्मूथ है जिसमें राइबोसोम है ही नहीं, फिर क्या है इसका रोल, फिर क्या रोल? हाँ जी, लिपिड सिंथेसिस. फिर ये लिपिड्स की सिंथेसिस में हेल्प करेगा, नॉट इन द प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, सो दैट इज इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ द लिपिड्स बट नॉट प्रोटीन्स. व्हाटएवर द सिंथेसिस इज, इट हैज टू पैक इट ऑल्सो. ठीक है, एंड दैट पैकिंग इज डन इन दीज वेसिकल्स कॉल्ड एज ट्रांजिशन वेसिकल्स. डन, ओके. नाउ फर्दर, दिस इज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करता है नेक्स्ट ऑर्गेनेल के साथ जिसका नाम है गॉल्जी. ठीक है, अब पहले तो यहाँ पे हम देखें एंडोमेम्ब्रेनस में, आपको समझाती हूँ इकट्ठा. पहले यहाँ पे नेक्स्ट हम करते हैं सेकेंड ऑर्गेनेल, दैट इज द गॉल्जी अपरेटस, ऑल्सो कॉल्ड एज गॉल्जी बॉडीज और गॉल्जी कम्प्लेक्स. This is a Golgi apparatus. The Golgi apparatus that has again the same three structural features, that is the cisterna, vesicles and tubules. But here the cisterna are not very elongated and not very in depth. ठीक है, cisternae हैं पर वो बहुत ज्यादा लंबे भी नहीं है और बहुत ज्यादा depth में भी नहीं है, पहली चीज. दूसरा, जो cisternae यहाँ आपको proper interconnection नजर आ रहा है, इसमें सिस्टर्न इंटरकनेक्टेड विद वेरी माइन्यूट कनेक्शंस, दे आर नॉट विद दीज बिग कनेक्शंस, वेरी वेरी माइन्यूट, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक से भी लाइक माइक्रॉन्स में साइजेस होते हैं उनके पोर्स के, जिससे ये इंटरकनेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, थर्ड इज जो ट्यूब्यूल्स इसमें है, मैंने कहा था ये बहुत अच्छे से ब्रांच अप नहीं है. ठीक है, थोड़ी होती है और इसलिए ये अंदर ही अंदर रह जाती है, लेकिन उसका सिस्टर्ने का स्ट्रक्चर ज्यादा होता है, टिब्यूल्स थोड़ी होती है. यहाँ पे सिस्टर्ने थोड़े हैं, टिब्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, ब्रांचिंग बहुत प्रोफ्यूज है, जिसकी वजह से इसमें हमें बकायदा पूरी टिब्यूल्स जो है वो नजर आती है. एंड हेयर द वेसिकल्स आर टेम्परेरी वंस, हेयर द वेसिकल्स आर गुड वंस, परमानेंट वंस. एंड सो दिस ऑर्गेनेल इज टर्म्ड एज अ स्टोरेज एंड पैकेजिंग हाउस ऑफ द सेल. व्हाट इज द अदर नेम फॉर द गॉल्जी? That is the storage and packaging house. ER का अदर नाम था skeleton of the cell, and this Golgi is having the other name as storage and packaging house of the cell. Now drawing the structure for this, the cisternae, they are arranged one above another like this. ठीक है, this is cisterna one, right? ये first cisterna, then second cisterna. Making one on one side as the concave face and another on the another side as the convex face. So इस तरह से ये कुछ सिस्टर्ने पड़े हैं इसमें, एक के ऊपर एक ऐसा. ठीक है, अभी मैंने क्या बोला, इनमें बहुत माइन्यूट क्या है, इंटरकनेक्शंस. ठीक है, तो माइन्यूट इंटरकनेक्शंस के लिए आप ऐसा बड़ा नहीं बनाएंगे, आप सिंपल यहाँ पे लाइन्स शो कर देंगे वेरी नियर बाय, दैट विच कनेक्ट्स द टू ऑफ द सिस्टर्ने. ठीक है, सो सिमिलरली कहीं पे भी इन दोनों दोनों सिस्टर्नास को इस तरह जोड़ दो. ठीक है, विद माइन्यूट इंटरकनेक्शंस. डन, ब्रांचेस आर टू मच हेयर, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, सो एवरी ऑफ दिस हैज अ प्रोफ्यूज ब्रांचिंग. प्रोफ्यूज मींस ब्रांचेस एंड देयर सब ब्रांचेस लाइक दिस. तो बहुत ज्यादा अच्छी खासी ब्रांचिंग यहाँ पे हुई हुई है, आपको अगर देखेंगे आप यहाँ पे. सो दिस इज द ब्रांचिंग ऑफ द ट्यूब्यूल्स, सॉरी ऑफ द सिस्टर्ने फ्रॉम द गॉल्जी. सो लाइक दिस यू कैन हैव द ब्रांचिंग्स विच आर मेड फ्रॉम द सिस्टर्ने ऑफ द गॉल्जी. सो सभी में से बनेंगी. अगर आपके यहाँ पे हॉचपॉच हो रहा है डायग्राम में तो थोड़ा छोड़ छोड़ के बना लो, but otherwise it is like very profusely branched is tarah se. theek hai, kaise bhi branches banao, bas branches nazar aane chahiye. clear? now next is the vesicles, that which are packed here over the tubules like this.
These are called as the vesicles. So same names are given, that is the cisternae. Then these are the tubules and the vesicles. Got it? Hanji, complete the drawing part, fatafat. Make it be quick. Complete it. Anji, next is done. Done with the drawing. Jacqueline Zahed. Anji, online students, done. Okay. Right. So the next is अच्छा ये तो हुआ हमारा ये दोनों का structures. ठीक है, structures की बात हुई. अभी हम आते हैं इनके functions में. जो पहले तो हमने दो चीजें बोली दी हैं. Skeleton बोलते हैं, इसको storage and packaging बोलते हैं. पर कैसे होता है? सबसे पहले देखो यहाँ पे ER के अंदर ER में ribosomes attached है, making it the RER, rough ER. ठीक है, rough ER, RER जो ribosomes हैं, ये proteins synthesize करती हैं इनके अंदर, अपने अंदर proteins बनाती है ना. तो जो proteins बन रही हैं, उनमें से कुछ एक enzymes भी होंगे. ये याद रखना, all the enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes. समझ आया? हमारी body में जितने enzymes हैं, वो सब proteins हैं. एंजाइम होता ही प्रोटीन है, प्रोटीनेशियस. ठीक है, सो ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट जितने प्रोटीन्स हमारी बॉडी में, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, इट इज नॉट एन एंजाइम, इट्स अ प्रोटीन. ठीक है, सो ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स. ठीक है, सो यहाँ पे जितना उसने प्रोटीन्स बनाया, उसमें से कुछ एक एंजाइम्स भी थे. प्रोटीन्स में से तो थोड़े एंजाइम्स होंगे ना, सारे एंजाइम्स नहीं थे. सो कुछ एक यहाँ पे वो भी थे, क्या कहते हैं इसको, एंजाइम थे. इन एंजाइम्स में से दो स्पेशल एंजाइम्स हैं, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2. दो स्पेशल एंजाइम्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं थ्रू दिस राइबोसोम्स. ये दोनों क्या करेंगे, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2, दे विल बी डिसॉल्विंग आउट द वॉल इन बिटवीन, जो कॉमन वॉल है राइबोसोम और ER का. समझ आया? राइबोसोम और ER का एक कॉमन वॉल है, इसका पोर डिसॉल्व करने में कौन से एंजाइम्स हेल्प कर रहे हैं, ये दोनों, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2. अब क्या होगा, जब इन्होंने पोर्स जनरेट किए, ये सारे जितने एंजाइम्स सेक्रेटिंग हुए, तो इनके पास से ये राइबोफोरिन आए और ये क्या है, बीच में पोर डिसॉल्व कर दिया, दैट्स इट. राइबोफोरिन ने इतना किया. ठीक है, समझ आया? ठीक है, अब ये सारा का सारा जो प्रोटीनेशियस मास इसने तैयार किया है राइबोसोम से, वो यहाँ आ गया सिस्टर्ना के अंदर, है ना. सिस्टर्ना से कहाँ पे जाएगा, टिब्यूल के अंदर. टिब्यूल से कहाँ पे जाएगा, वेसिकल के अंदर. लिपिड सिंथेसाइज किया तो वो, प्रोटीन सिंथेसाइज किया तो वो, या फिर ER की अपनी जो सिक्रीशन है वो. ठीक है, वो सब चीजें यहाँ पे पैक हो गई. एंड एज दे आर मेच्योरिंग अप, मेच्योर कैसे हो रहे हैं, ये एक हमारे पास टिब्यूल है. ठीक है, ये एक टिब्यूल है, माय हैंड इज रिप्रेजेंटिंग अ टिब्यूल. टिब्यूल के ऊपर ऐसे एक्सपेंडेबल डिस्क है. ठीक है, जैसे जैसे भरता जा रहा है, ये एक्सपेंड करते जा रही है ऐसे ऐसे. ठीक है, व्हेन इट रीचेस अ मैच्योर साइज, इट डिटैचेस. ठीक है, अगेन एक्सपेंडेबल डिस्क इज देयर, एक्सपेंडेबल मेम्ब्रेन, सॉरी, वो वहां पे है, वो तो डिटैच हो गया अलग, फिर से ये फिलअप होती रहेगी ऐसे. ठीक है, इट कीप्स ऑन फिलिंग अप एंड डिटैचिंग, अलग होती जाएंगी. और ये वेसिकल्स जो यहाँ से अलग हो रही है, पहले समझ लो, ये जो वेसिकल्स है, मैंने क्या बताया इनका नाम क्या है, ट्रांजिशन वेसिकल्स. ये वेसिकल क्या करेगी, इट विल बी गोइंग एंड अटैचिंग ऑन टू दिस फेज ऑफ द गॉल्जी. ER के पास गॉल्जी का हमेशा ये वाला फेज लगा होता है. जब भी आप ड्राइंग में भी बनाओगे ना, आपने ER बनाया लेट से ऐसा, ठीक है, और गॉल्जी हमेशा ऐसे पड़ी होगी ER के साथ, उल्टा नहीं होगा कभी भी. ठीक है, ये इसका मैच्योरिंग फेज है, ये उल्टा नहीं होगा कभी भी. ठीक है, क्लियर. अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट सी, ये वेसिकल आया इस फेज पे लग गया. ठीक है, यहाँ पे ये ट्रांजिशन वेसिकल आ गया, एंड इट हैज ब्रॉट ऑल द सिक्रीशंस फ्रॉम द राइबोसोम्स, ऑल द प्रोटीन्स एंड एवरीथिंग हियर.
ठीक है, दिस वेसिकल इज वॉट अ ट्रांजिशन वेसिकल दैट हैज रीच्ड टू द टेम्परेरी, तब तक बोलेंगे जब तक ये वहां पे ईआर के पास, लेकिन जब वहां से टूट गए छूट गए तो ये चले गए गोल्जी के पास एंड देन दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन वेसिकल्स। अब यहां जाके भी एंजाइम्स जो इसके अंदर हैं वो डिसॉल्व करेंगे इस पोर को, है ना, एंड देन दिस विल बी रिलीज्ड इनटू द सिस्टर्न, दे विल बी गोइंग एंड पासिंग ऑन टू द अनदर सिस्टर्न एंड ऑल्सो टू द ट्यूब्यूल्स, है ना। जितनी सिक्रीशन आ रही है, क्योंकि इसको क्या बोला है हमने, स्टोरेज एंड पैकेजिंग हाउस, जितना सामान सेल में से तैयार होके आ रहा है इसने इसको पैक करके रख देना है, स्टोर करके रख देना, जब जरूरत है जिसको जरूरत है वो निकाल लेगा, है ना, सेल को जब जैसी जरूरत पड़ेगी वो निकाल लेगा बाद में, लेकिन वो कैसे स्टोर करता है, ये सारी मटेरियल्स को ले गया इस वेसिकल में, ये भी वैसी ही एक्सपेंडेबल डिस्क है जैसे अभी मैंने उधर समझाया, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये वेसिकल्स जब पूरी तरह से तैयार हो जाती है, डिटैच बट दे डू नॉट लीव इनटू द अदर ऑर्गेनेली, फॉर द अदर ऑर्गेनेली इनटू द साइटोप्लाज्म लीव नहीं होती, ये कहाँ जाएंगी, यहाँ से डिटैच होके अपने इस फेज पे आके बैठ जाएंगी, यानी यहाँ पे गैदर करती रहती हैं इसके ऊपर। आपने गोल्जी जब भी बनाया होगा आपने ऐसा साथ में वेसिकल्स ऊपर बनाए होंगे, वो इसीलिए क्योंकि ये सारे छूट के चल जाते हैं यहाँ पे, इसके पास पड़े रहेंगे, स्टोर करके रखा है ना इसने, है ना, स्टोरेज एंड पैकेजिंग, पैक कर दिया इन वेसिकल्स में और स्टोर करके रख लिया अपने पास। अब साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट से क्या होगा, जो पुराना बना है, जो मैच्योर्ड है, सबसे पहला बना हुआ, उसको उठाया ले गया, जहां जहां जरूरत थी काम यूज हो गया, जैसे लिपिड्स है, मेम्ब्रेन टूट गया वहां पे चाहिए, है ना, ऐसी चीजें, ठीक है, जो एंजाइम जहां पे चाहिए उनकी जरूरत वहां पे पूरी हो रही है, ये ले जाता है साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट से और सारे सेल में फैलाता रहता है, घुमाता रहता है, ठीक है। अब दोनों ने इकट्ठे काम किया ना कोऑर्डिनेटेड मैनर में, तो इसलिए ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है। थर्ड आपने कौन सा नाम लिखा था, लाइसोसोम। लाइसोसोम ऑर्गेनेली के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना, पढ़ा है ना, लाइसोसोम इज कॉल्ड व्हाट, सोसाइडल बैग ऑफ द सेल, है ना, व्हेन इट बर्स्ट ओपन इट सीम्स एज इफ इट हैज एंगल्फ द होल ऑफ द सेल बिकॉज इट हैज दोज काइंड ऑफ द एंजाइम्स। अब वो एंजाइम्स कौन बना रहा था, प्रोटीन्स कौन बना रहा था, राइबोसोम। जब ये राइबोसोम्स की सिक्रीशंस यहाँ पे आई तो कुछ एक वेसिकल्स ऐसे फिल हो रहे हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम, जो सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पे पैक कर रही हैं, ये वाले एंजाइम्स पैक कर रही हैं, तो उसको हमें नाम नहीं दे देना चाहिए एज लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम क्या है, दैट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन दैट, यही होता है ना, है ना। सो दिस इज द अनदर, यू लेबल इट एज लाइसोसोम, इसको अलग से लिख दो, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ योर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, दैट इज अ लाइसोसोम्स। सो गोल्जी का एक रोल ये भी है कि इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग और द फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम्स, ये इसका फंक्शन है। दूसरा एक और चीज, अब ये जो वेसिकल्स क्रिएट हो रहे हैं ये अगर मेल गैमेट्स के टिप पे जाके लग जाए, वहां पे एसोसिएट हो जाए, देखा है मेल गैमेट का स्ट्रक्चर पढ़ा है हमने, दिस इज द हेड, देन देयर इज द नेक, मिडल पीस, है ना, ऐसे ही होता है ना, देन उसके बाद टेल, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ओवर हेयर इन द हेड देयर इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जस्ट एट द टिप, सबसे ऊपर टिप पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये सैक किसका है, एंजाइम्स का। अगेन कौन से एंजाइम्स, जो हेल्प करेंगे टू डिसॉल्व द वॉल ऑफ द फीमेल गैमेट। व्हाट इज द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज, एनीवन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज, एक्रोसोम, दिस इज एक्रोसोम। अब एक्रोसोम की फॉर्मेशन कौन करवा रहा है, गोल्जी। सो गोल्जी हेल्प्स इन अलोंग विद स्टोरेज एंड पैकेजिंग हाउस, it also helps in the formation of the lysosome, it also helps in the formation of the acrosome, also the fourth thing, what is that, vacuoles, vacuoles bhi to material pack se hi banenge, jo to vacuoles hamare paas kya hote hai, single membrane bound hai, wo bhi yahi se hi ban rahe hain secretory vesicle se, kuch ek to vacuole hote hai jaise food vacuole hai, uske paas to membrane hi nahi hai, wo nahi banega yahan pe, hai na, wo nahi banta, lekin other vacuoles like that of your kya bolte hai isko, contractile vacuole, है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल इज देयर, या
सैपवेक्यूल इज देयर, टोनोप्लास्ट होता है, तो वो यहीं से तैयार होके जा रहे हैं पहले, ठीक है, वो यहीं से शुरुआत यहीं से ही हो रही है गॉल्जी से. सो दैट इज इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द वेक्यूल्स. सो दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड मैनर में काम कर रही है, इसलिए इनको एक सिस्टम बोला है, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम. पर यहाँ पे एक चीज है, हमने राइबोसोम को नहीं इंक्लूड किया. क्यों क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि राइबोसोम्स यहां तो इनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कल्ले भी काम करते हैं, है ना. ईआर कल्ला काम नहीं करेगा, गॉल्जी कल्ला नहीं करेगा, लाइसोसोम का फॉर्मेशन विदाउट गॉल्जी पॉसिबल नहीं है ना. तो ये सब इंटरकनेक्टेड है. राइबोसोम भी है लेकिन वो अकेला भी काम कर सकता है, ठीक है. सो दिस इज द एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम एंड वी विल कंटिन्यू इट टुमारो, राइट. टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट